हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मैं अभिषा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर करना। उठा छाप। हाँ यार, आप सब ना मतलब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि यार आपके ब्लॉग्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। मेरे ब्लॉग्स यार, मैं हूँ ही इतनी अच्छी कि मैं क्या बोलूँ। मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका ही इतना अच्छा ब्लॉग्स में कि यार मेरे ब्लॉग्स असल में ना हमें पसंद पड़ जाते हैं लोगों को। तो लोग बड़ी डिमांड करते हैं कि हफ्ते में एक ही सही लेकिन ब्लॉग जरूर अपलोड करो। हाँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगी। अब सर्दियां आ गई हैं तो सर्दियों में ना हर हफ्ते हम एक ब्लॉग अपलोड करने की हाँ। कोशिश किया करें। इधर देखें तो आज की जो वीडियो लेकर आए इसमें हम देखने वाले हैं कि भाई हम देखेंगे पाकिस्तान में जो लस्सी होती है ना, लस्सी भाई कैसे बनाते हैं, जो दुकानों पे बिकती है कितने साफ सुथरे तरीके से बनाते हैं, और इंडिया में जो लस्सी होती है वो कितने साफ सुथरे तरीके से बनाते हैं। मजा आएगा देखने में। प्लीज वीडियो का अंत तक देखना। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर ताड़ा कुछ नहीं हो सकता। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने तो नहीं हो सकता। सब्सक्राइब कर दे, सारा कुछ बनेगा ना। हाँ, तो फिर देखते हैं आज के दिन। Thank you.
ये क्या रबड़ी है? रबड़ी और मलाई ऐड की जा रही है। गर्मियों में अगर सबसे बेहतरीन सौगात कोई है तो वो है जी कैलाश की ये पंजाबी लस्सी। और इस भीड़ को देख के आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितनी फेमस इनकी लस्सी होगी। रिच, क्रीमी, बटरी और टेस्टी, प्योर दही की है ये लस्सी। और एक बार जो इसको पी लेता है ना भाई, जिंदगी भर इसका स्वाद नहीं भूलता। मैंगो लस्सी से लेकर सम्राट लस्सी, महाराजा लस्सी से लेकर केसर की लस्सी, इतनी ज्यादा रिफ्रेशिंग है ना कि इसका एक गिलास एक बार लाइफ में ट्राई करना जरूर बनता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्वाद आ जाएगा आपको। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। तो जी इंडिया में आपने अलग अलग राज्यों में जाके अलग अलग जगहों पे जाके लस्सी पी होगी, लेकिन आज मैं आपको लेके आया हूँ कैलाश के पास, जिनकी लस्सी पूरे मुंबई में सबसे ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे जो लस्सी बनाई जाती है ना भाई, ऐसी लस्सी आपको मुंबई में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेशल तरीके से यहाँ पे लस्सी बनाई जाती है। लस्सी में सबसे पहले पानी का इस्तेमाल नहीं होता, आइस का इस्तेमाल सिर्फ ऊपर से होता है, और बहुत ज़्यादा गाढ़ी लस्सी होती है। अब ये जो लस्सी है लोग कहते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम इसे पिए या खाए, क्योंकि होती इतनी गाढ़ी है। अब ऊपर से मलाई डाली जाती है, वो भी ढेर सारी मात्रा में। और अगर आप हाफ ग्लास पंजाबी लस्सी का लेते हैं तो मात्र 30 रुपये का है, और अगर फुल लेते हैं तो वो है आपका 50 रुपये का। अब मैं आपको पूरी लस्सी की मेकिंग दिखाता हूँ, और कौन कौन सी लस्सी मिलती है ना वो आपको दिखाता हूँ। आइए और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत रिफ्रेशिंग फील करने वाले हैं आप इस वीडियो को देखने के बाद। तो यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे तैयार होने जा रही है सबसे आइकॉनिक लस्सी ऑफ मुंबई, और ये है जी कैलाश मंदिर की सबसे फेमस लस्सी। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, लगातार इसी तरीके से ये परात का इस्तेमाल करके यहाँ पे लस्सी को तैयार करते रहते हैं। ऊपर से पहले मलाई निकालते हैं, उसको साइड पे रख लेते हैं, और हर गिलास के ऊपर यहाँ पे जो मलाई है ऊपर से सर्व की जाती है। और ये जो आप एक परात देख रहे हैं, लगभग 10 किलो दही इसके अंदर आती है, और हर 15 मिनट के बाद यहाँ पे एक नई परात बनाई जाती है। तो सुबह 9 बजे से लेके शाम तक जब तक ये दुकान खुलती है उसमें ये लस्सी तैयार होती रहती है। इसमें अब ये पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ दही है जो आप यहाँ देख रहे हैं। अब ये दही को एक बर्तन में डाल रहे हैं, और उस बर्तन में डालने के बाद ये लस्सी को तैयार करेंगे। आप ये परात देख सकते हैं कि मतलब हार्डली 1 मिनट के अंदर इन्होंने पूरी परात को खाली कर दिया। और आप देखिए जी, इसमें मिठास के लिए डाली जा रही है ढेर सारी शक्कर। अब कितनी सारी शक्कर इसके अंदर जाती है ना, आप यहाँ देख सकते हैं भाई, 20 किलो दही में 5 किलो शक्कर जाएगी। अब ये देखिए, इसको अंदर ही इसके मिक्स किया जाएगा। तो देखिए, पहले एक 10 किलो की परात इन्होंने डाली, अब ये दूसरी परात आई है, ये भी 10 किलो की है। अब इसमें से भी ऊपर से जो मलाई है ये निकाल के यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, और हर वो गिलास में, चाहे वो हाफ गिलास हो पंजाबी लस्सी का, चाहे फुल हो, उसके अंदर ये ऊपर से मलाई डाल के सर्व की जाती है। और ये देखिए जी, अब एक स्पेशल तरीके का मिक्सर इन्होंने ऊपर से निकाला है, और वहाँ से ही इसको जो लस्सी है उसको फेंटा जा रहा है। अब ये देखिए, इस जो हम मैदानी जिसको बोलते हैं पंजाबी में, उस मैदानी से
ये देखिए जी, मोटर वाली मधानी को इस लस्सी, इस दही के अंदर डाला जा रहा है और इसी के अंदर जो लस्सी है वो तैयार की जा रही है। जो मोटर से ये मधानी है वो चलती है और एक स्पेशल तरीके की पाइप ये ऊपर से लेके आते हैं और पाइप से ही जो मधानी है वो चलती है, उसके अंदर अटैच्ड है और उसके बाद ये लस्सी, आइकॉनिक लस्सी को तैयार किया जाता है। तो ये देखिए जी, अब यहाँ पे तैयार होने जा रहा है लस्सी का वो स्पेशल गिलास जो कि मुंबई का सबसे ज़्यादा फेवरेट है। अब ये देखिए जी, इसमें हाफ जो गिलास है पंजाबी लस्सी का वो 30 रुपये का है और जो फुल है वो 55 रुपये का है। अब ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा लोडेड होती है, इतनी ज़्यादा हैवी होती है कि लोग पूरा गिलास नहीं पी पाते, तो उनके लिए भी ऑप्शन है कि आप हाफ गिलास यहाँ लस्सी का पी सकते हैं। 30 रुपीज़ के अंदर हाफ है और 55 रुपये के अंदर फुल है। अब ये सिर्फ दही और चीनी का मिश्रण है और बहुत प्योर ये लस्सी है। अब इसमें थोड़ी सी ऊपर से क्रश्ड आइस डाली जाती है, उसके बाद मलाई डाल के सर्व की जाती है। तो हाफ ग्लास का ही ऑप्शन ज़्यादा है लोग यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत हैवी होती है। अब ऊपर से ये मलाई डालते रहेंगे, यहाँ पे एक भैया खड़े हैं वो मलाई डालते रहेंगे और उसमें स्टील का चम्मच लगा के आगे ये सर्व करते रहेंगे। देखिए कितनी बड़ी सुपर ह्यूमन स्पीड से यहाँ पे ये लस्सी बिकती है और कितनी तेज़ी से यहाँ पे ये जो कारीगर हैं वो काम करते हैं। बहुत बहुत उम्दा लस्सी की ये दुकान है और अगर आप कभी भी मुंबई आए ना भाई, कैलाश लस्सी ज़रूर पीजिएगा। ऐसी लस्सी मुंबई में आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। तो जी, जितनी फेमस, जितना मतलब पसंद लोग यहाँ पे लस्सी पीना करते हैं, उतना ही पसंद लोग पैक करा के भी लेके जाना करते हैं, क्योंकि खुद पी के फिर घर वालों के लिए लेके जाते हैं। और ये कौन सी है? ये महाराजा है, ये मैंगो ड्राई फ्रूट लस्सी है। हाँ, पार्सल कंटेनर। वाह, वाइन का जो पार्सल कंटेनर है वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और उसके बाद इस पे देखिए मलाई डाली जाती है, ढेर सारी मात्रा में मलाई जाती है इसमें। ये देखिए, अब इसमें गई ढेर सारी मात्रा में मलाई। अरे बाप रे, मलाई का तो कोई अंत ही नहीं है मतलब। और ऊपर से आई ये पुड़िया, इनकी स्पेशल ड्राई फ्रूट पुड़िया जो हर किसी के लिए बिल्कुल सेम है, तो हर किसी को उतनी ही मात्रा में ड्राई फ्रूट मिलेगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हर किसी को सेम मात्रा में ड्राई फ्रूट मिलता है। और पैकिंग कंटेनर बहुत स्पेशल है इनके, और पैकिंग वाले ग्लासेस भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो ये देखिए, ग्लासेस के ऊपर ये सील पैक कर देते हैं और ये लीक प्रूफ होते हैं, तो लीक नहीं होते हैं। आप जहाँ भी जाएं मुंबई में, आप इस लस्सी को लेके जा सकते हैं अपने लिए और अपने घर वालों के लिए भी। तो जी, यहाँ पे देखिए जो इनका हाथ है वो बहुत ज़्यादा सुपर स्पीड से चलता है और लगातार जो लस्सी के ग्लासेस है ना, वो यहाँ से काउंटर से लोगों तक पहुँचते रहते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में सबसे अगर रिफ्रेशिंग चीज़ कोई है वो है ये लस्सी का ग्लास। अब आप अगर एकदम तगड़े पक्के वाले पंजाबी है ना, तो आप पूरा गिलास लीजिएगा, सच बता रहा हूँ आपको शाम तक भूख नहीं लगने वाली। लेकिन अगर आपकी डाइट मेरी तरह है तो आप हाफ ग्लास भी ले सकते हैं, 30 रुपीज़ के अंदर हाफ ग्लास विद अ लॉट ऑफ मलाई एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ रिफ्रेशमेंट। तो जी, बहुत मुश्किल है, इन्होंने हमें टाइम दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं ये, बात नहीं कर सकते भाई। इन्होंने बोला कि आप बस, मैं काम करता रहूँगा, आप मुझसे जो पूछना है पूछे। तो शमरोज भाई हैं हमारे साथ जो कि कैलाश मंदिर लस्सी के ओनर हैं। इनके पिताजी ने आपसे कई साल पहले दुकान शुरू की और ये एक लेजेंडरी दुकान बन चुके हैं भाई मुंबई में। तो शमरोज भाई, कितने साल हुए दुकान को? ऑलमोस्ट 50 ईयर्स हुआ। तो फादर ने शुरू किया आपका और यहीं से स्टार्ट किया, और आपकी लस्सी इतनी स्पेशल क्यों है यार? हम लोग का प्योरिटी तो भैंस का दूध की वजह से, उसकी वजह से हम लोग एकदम आज की लस्सी, भाई लस्सी मैंगो लस्सी भी होती है, पता नहीं केड़ी केड़ी लस्सी भी होती है, वो सानू कोई नहीं पता है, क्योंकि हमने कभी पी नहीं, कभी पी है मैंगो लस्सी? इधर देख, नहीं। कौन सी लस्सी पी हुई? यही सर्दी सर्दी गर्मी जो बनती है वो। अब मेरी मम्मी पता कैसे लस्सी बनाती है, मैं आपको बताती हूँ। आपने कह रहा ये तो लस्सी आई नहीं है। मेरी मम्मी ना वो जो दूध होता है ना, दूध में पानी डाल के ना उसमें नमक डाल के वो लस्सी है। लस्सी कैसी लस्सी? आपने कह रहा ये क्या है, ये क्या है? लेकिन लस्सी पीने पानी पा कंगल पानी वो लस्सी होती है वो और यार, लेकिन ये जो लस्सी होती है ना, जो प्योर लस्सी होती है, मीठी जो लस्सी होती है, उसका मजा ही अलग होता है, वो जब सही से बनाई गई होती है ना तो। लेकिन यार इतनी हैवी मुझे नहीं लगता कि पी जाती होगी, जिसमें मलाई हो, बादाम हो, हाँ या फिर आप सुबह पी लो तो आपको शाम तक वाकई भूख नहीं लगने वाली, और लस्सी पी के नींद भी बहुत ज्यादा आती है, ये कभी आप आजमा के देखना। हाँ यार, इतनी नींद आती है लस्सी पी के, दिल करता है लस्सी पीते सारे बस टून हो जाओ, है ना, ऐसा दिल करता है लस्सी पी के। लेकिन यार पाकिस्तान में लस्सी जो है ना, वो असल में ना अंकल साहब बना रहे थे लस्सी को, और मैं मतलब बोलना चाहती हूँ कि ये जो बाहर जो भी मतलब काम करते हैं ना,
चाहे वो छोटे से छोटा स्टॉल क्यों ना, उनको ग्लव्स पहन के ना बनाना चाहिए, ताकि क्योंकि हमें हाथ में बहुत ज्यादा जरासीम होते हैं और बार बार इस तरह से करना होता है तो फिर बहुत ज्यादा, हम अपने घरों में तो बनाते हैं, हमें पता होता है हम हाथ कितनी दफा धोते रहते हैं अपने घर में, लेकिन इन लोगों ने नहीं धोने होते, पता नहीं कहाँ कहाँ हम मुंह पे हाथ लगाते हैं, कभी कहीं पे लगाते हैं, खारिश हो गई उधर वहीं पे खारिश करना, तो फिर हाथ में जरासीम होते हैं, तो हमें इस चीज का ख्याल मुझे लगता है रखना चाहिए। जैसे इन्होंने सर में कैप पहनी हुई थी, हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं जब आप देखते हो ना, तो वरना इंसान बीमार पड़ जाता है यार, बीमारियों का बायस बनती है ऐसी चीजें। तो मुझे तो वैसे यार लस्सी इतनी पसंद नहीं है, मैं अभी झूठ बोलूँ आपसे, मुझे नहीं पसंद, हालांकि हम पंजाबी हैं लेकिन पंजाबियों को कहते हैं कि लस्सी बहुत ज्यादा पसंद होती है। अम्मी आपको पसंद है? कच्ची वही जो बनाती है वही ना, गर्मियों को आम है, साफ साफ लस्सी कच्ची और करेले और साथ में हो वो रोटी, यार है क्या मजा आता है गर्मियों में ये खाने का चीजें। लेकिन अभी मुझे लगता है करेले खत्म हो चुके हैं ना, होंगे 12 महीने होंगे। अच्छा हमें याद आ गया, मम्मी ने ना कल ही करेले ले आए ना, लेकिन यार बड़ा जबरदस्त किस्म का देखा आपने, लस्सी मैंगो लस्सी जो है ना यार, मेरा मतलब मैंने इंडिया के वीडियोस में देखी है कि मैंगो लस्सी पी के टर्न हो जाए, मेरा दिल करता पीने को कि यार उनका टेस्ट कैसा होता है। वो बटर वाली एक लस्सी भी होती है, पता नहीं कौन कौन सी लस्सी है, मेरा दिल करता है कि मैं इस लस्सी के अलावा भी कोई लस्सी पी के देखूं, आवांगे तो जरूर पीवांगे लस्सी। वीडियो आहो कैसी लगी वीडियो पंजाबी हो? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। पंजाबी हमेशा गिला कर देने इंडिया वाले हो, पंजाबी हमेशा गिला साड़े ना कर देने कि तुसी पंजाबी नहीं बोलते, पंजाबी नहीं बोलते, लो ताड़े बोलते है पंजाबी है तो बोले पंजाबी बोल छी जे तो हम लाइक करके तो वधिया जा कर दो। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, चलते अल्लाह हाफिज़।